नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय ऑटोनोमस कंजप्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है और हमें इसे एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम के साथ. तो ऑटोनोमस कंजप्शन, ऑटोनोमस जब इनकम ज़ीरो है ना, फिर भी कंजप्शन है, तो इसी को हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन. इनकम ज़ीरो है फिर भी कंजप्शन है, इस कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन. और ये डिनोट करते हैं बार सी के साथ. ऑटोनोमस कंजप्शन मीन्स कंजप्शन एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम. कंजप्शन एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम, ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कंजप्शन है तो उसे हम कहेंगे ऑटोनोमस कंजप्शन. इवन व्हेन द इनकम इज़ ज़ीरो, अ टिपिकल हाउस होल्ड विल हैव सम मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर विच कैन बी फाइनेंस थ्रू बोरोइंग. पैसा उधार लेके भी हम कंज्यूम करेंगे अगर हमारी इनकम ज़ीरो है तब भी, और या तो पास्ट सेविंग से करेंगे. ठीक है, एंड दिस मिनिमम कंजप्शन इज टर्म्ड एज ऑटोनोमस कंजप्शन. और ये जो मिनिमम कंजप्शन हम कर रहे हैं इसी को कहते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन. सिंस इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ इनकम, ये डिपेंड नहीं होती लेवल ऑफ इनकम पे, देयरफोर इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द वर्टिकल स्ट्रेट लाइन. इसीलिए इसको हम वर्टिकल स्ट्रेट लाइन से बनाते हैं जो पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के, तो इसको हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन. देखिए मीनिंग पढ़ना एक जगह कि आपको आ गई समझ में, बट आंसर लिखना, आंसर राइटिंग इज़ डिफरेंट थिंग. तो ये चीज़ें आप, जैसे ये आंसर लिखा हुआ है तो इसको तीन बार चार बार पढ़िए, इसमें से की पॉइंट जो है अपने आंसर में लिख के आइए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम्ड एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू. एमपीसी क्या होता है और एमपीएस क्या होता है और इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, ये दोनों में क्या रिलेशन है. तो सबसे पहले एमपीसी एक्सप्लेन करिए, फिर एमपीएस को बताइए क्या है, देन इनकी रिलेशनशिप एक्सप्लेन करना है. एमपीसी रिफर टू द अमाउंट ऑफ चेंज इन इनकम विच इज़ कंज्यूम्ड. एमपीसी इट रिफर टू द अमाउंट ऑफ चेंज्ड इनकम विच इज़ कंज्यूम्ड एंड इट इज़ कैलकुलेटेड एज द रेशियो. क्या होगा रेशियो, कि चेंज इन कंजप्शन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम. चेंज इन कंजप्शन, कंजप्शन के साथ अगर इनकम में चेंजेस आते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, एमपीसी कहते हैं. तो डेल्टा सी डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई इज कॉल्ड एमपीसी. अब एमपीएस क्या हो जाएगा, चेंज इन सेविंग विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम इज कॉल्ड एमपीएस. तो डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई. ठीक है, देखिए कैसे लिखा है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एमपीएस इट रिफर टू द अमाउंट ऑफ चेंज इनकम विच इज सेव्ड. इट इज कैलकुलेटेड एज अ रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग विद चेंज इन इनकम, दैट इज एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई. रिलेशनशिप क्या है एमपीसी और एमपीएस की, एमपीसी का फॉर्मूला बताइए क्या होगा. तो जैसे हम बताने के लिए बोलते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, तो ये टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा. फिर आप ना चेक कर लीजिए कि हाँ ये है. अब एमपीसी का क्या है, डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, और एमपीएस का क्या है, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई. ये है फॉर्मूला. अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, डेल्टा सी और डेल्टा एस को प्लस कर रहे हैं तो ये डेल्टा वाई बन रहा है, और ये वाई वाई है तो ये यहाँ पे भी नीचे डेल्टा वाई आ जाएगा. अब डेल्टा वाई को डेल्टा वाई से काट देंगे तो वन आ जाएगा ना. तो इन दोनों की रिलेशनशिप क्या है, एम पी सी और एम पी एस इज इक्वल टू वन. अप्रूव भी हो गया ये. अब मान लीजिए एग्ज़ाम में आप लोग को क्वेश्चन में दिया है एम पी सी दिया हुआ है, एम पी सी दिया है 10 और पूछ रहा है एम पी एस बताओ कितना है, तो क्या होगा. ये तो अभी प्रूफ किया कि एम पी सी प्लस एम पी एस
इज इक्वल टू 1 होता है, सी क्या है 10 है तो यहाँ 10 रख दिया, एम पी एस क्या है अभी हमें ये नहीं पता, ये निकालना है और ये 1 हो गया, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू आया, 1 के नीचे 1 आया, ये प्लस का था ना एम पी सी, तो इधर जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस 9, तो ये माइनस 9 हो जाएगा एम पी एस। ठीक है, इस तरह से निकालना होगा ये, इसीलिए ये रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, एम पी एस इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, रिलेशनशिप बिटवीन एम पी सी एंड एम पी एस में डेल्टा वाई जो होता है डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस के बराबर होता है, और डेल्टा सी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, और डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, इन दोनों को जोड़ते हैं तो डेल्टा वाई बन जाता है, ये वाई वाई है ही है, ये वाई वाई कट गया, जब ये वाई वाई कटा तो 1 आ गया, तो प्रूव हो गया कि एम पी सी और एम पी एस को जोड़ देते हैं तो 1 बन जाता है। अब इसमें से कुछ भी निकालने का आएगा तो 1 में से हमें एम पी एस को माइनस कर देना है, एम पी सी आ जाएगा, 1 में से एम पी सी को माइनस कर देंगे तो एम पी एस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट एम पी सी, एम पी सी निकालिए, एम पी एस निकालिए, ए पी सी निकालिए फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, सी एस एम पी सी निकालना है, इनकम दिया हुआ है, कंजप्शन दिया हुआ है, एम पी सी का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, डेल्टा सी का क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा सी मीन्स चेंज इन कंजप्शन, तो 104 माइनस 95, 104 माइनस 95 कितना हो जाएगा 9, और ये डेल्टा सी की जगह अब हम लोग क्या रख देंगे 9 रख देंगे, डेल्टा वाई कैसे निकलेगा, डेल्टा वाई 110 माइनस 100, तो डेल्टा वाई कितना हो जाएगा 10, 110 माइनस 100 कम्स टू 10। अब डेल्टा सी तो ऊपर 9 रख ही चुके हैं, नीचे डेल्टा वाई रख दीजिए जितना निकाला है 10 ना, तो 10 रखिए नीचे, तो अब आंसर क्या हो जाएगा, 0 एक नंबर है तो इधर एक आ जाएगा पीछे, तो आंसर हो जाएगा 0.9, तो 0.9 क्या हो गया, एम पी सी हो गया, देखिए यहाँ पे 0.9 निकल के आ गया, और यही पूछा था यहाँ पे कि एम पी सी क्या होगा, सेम ऐसा ही एम पी एस भी निकाल लेंगे। नीचे देखिए सॉल्व किया हुआ इन्होंने, ये है एम पी सी निकालने के लिए, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, डेल्टा सी क्या हो गया चेंज इन हो गया, चेंज इन निकालना है तो 110 माइनस किया यहाँ पे, तो ये हो गया डेल्टा वाई आ गया, फिर उसके ऊपर ये डेल्टा सी निकाल लिया, ये आ गया, एम पी एस भी ऐसे ही सेम आ जाएगा, और सी निकालना है कंजप्शन निकालना है, तो कंजप्शन निकालने के लिए सी बाय वाई करना होगा, क्योंकि ए पी एस निकालना है, ए पी सी निकालना है, सी निकालना है, अब कंजप्शन को इनकम से डिवाइड कर दीजिए, 95 डिवाइडेड बाय 100, तो ए पी सी आ जाएगा। यहाँ पे ए पी सी इन्होंने निकाला भी है कि सी बाय वाई, पहला तो 0.95 देन सी बाय वाई ये किया तो ये वाला आ गया। ठीक है, क्वेश्चन और बच रहा है वो है ये, डिस्कस द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन एन इकॉनमी विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। अब एग्रीगेट डिमांड बताना है इकॉनमी में, टोटल डिमांड क्या होती है और डायग्राम के साथ, तो ये टोटल डिमांड क्या होती है, जब हाउस होल्ड डिमांड करता है उसकी डिमांड को, फर्म की डिमांड को, गवर्नमेंट की डिमांड को, नेट एक्सपोर्ट की डिमांड को, सबकी डिमांड को प्लस कर देते हैं तो ये टोटल डिमांड बन जाती है, और इसका एक्सप्लेनेशन हमने फर्स्ट वीडियो में दिया हुआ है, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, और इसका फिगर जो बनता है ये फिगर बनाना होगा। कभी भी कंजप्शन ज़ीरो से नहीं स्टार्ट होता, तो कभी भी ज़ीरो से मत करिएगा, लाइन शुरू मत करिएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। हमेशा ये हम लोग को पढ़ाया गया है कि कंजप्शन जो होता है ऑटोनोमस कंजप्शन होता है, जिसको हम बार सी से डिनोट करते हैं, कि एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कंजप्शन हो रहा होता है, तो एग्रीगेट डिमांड जो हमारी बनेगी वो ऊपर से ही बनेगी, यहाँ से शुरू हो जाएगी, ये हो गई।
और यहाँ पे नीचे ओ एक्स एक्सिस पे इनकम है, ओ वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड है, तो इसकी ये लाइन बन गई, इसको हम कहेंगे एग्रीगेट डिमांड की लाइन। तो ये कर्व भी बन गई, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में टॉपिक टू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर आपके कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।